3000 कोड जो आप 3002 जो कोड है सब्जेक्ट, ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इसमें पहला जो टॉपिक है ना सिंगल फेज एसी सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स, इसको टेकअप करेंगे हम सबसे पहले, जिसमें 1.1 जो है जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। दो तरह के नॉर्मली सप्लाई आती है, एक कहलाती है डीसी सप्लाई, एक कहलाती है एसी सप्लाई। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हम बोलेंगे एसी सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिंग का मतलब होता है इस तरह से वेव शेप चलती है आपकी इस तरह से। तो ये जनरेट कैसे होती है, बेसिकली सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन कैसे होता है, और हम हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मैथमेटिकल इक्वेशन होगी, कैसे इसको प्रदर्शित किया जाता है, वो मैं देखूंगा, वो हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले है जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है। तो सिंगल फेज का हम देखेंगे पहले, क्योंकि आपके सिलेबस में पहले सिंगल फेज का है, थ्री फेज का आगे है कॉन्सेप्ट, तो हम पहले सिंगल फेज एसी सर्किट्स को लेंगे। तो सिंगल फेज एसी सर्किट्स के अंदर जो वोल्टेज का जो जनरेशन है, जिसको आप ईएमएफ ही बोल सकते हो, इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स वो भी बोल सकते हो, या इलेक्ट्रिकल वोल्टेज भी आप उसको बोल सकते हो। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, अभी मैं आपको इसकी वेवफॉर्म दिखाऊंगा कि ऑल्टरनेटिंग का क्या मीनिंग है, ठीक है। तो दो तरह से एसी वोल्टेज को प्रोड्यूस किया जा सकता है, कैसे, ये सिंपल जो फैराडे का नियम है ना, आपने पढ़ा होगा 10th के अंदर भी फैराडे का नियम पढ़ा होगा, तो फैराडे के नियम के ऊपर ही आधारित है। जब भी किसी कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो फैराडे के नियम के अनुसार उसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न होता है। तो दो है बेसिकली चीज, एक है कॉइल, एक है चुंबकीय क्षेत्र, दोनों में से एक को आप घुमा सकते हैं, एक को स्टेशनरी रख सकते हैं, स्थिर रख सकते हैं, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव वोल्टेज में भी जनरेटेड बाई बाई रोटरी का कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी कॉइल को रोटेट कर लीजिए, या बाई रोटेटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ स्टेशनरी कॉइल, कॉइल स्टेशनरी है और चुंबकीय क्षेत्र आपका घूम रहा है। छोटे जो ऑल्टरनेटर होते हैं बिल्कुल कम कैपेसिटी के, उसके लिए जो पहला मेथड है वो प्रयोग में लिया जाता है, लेकिन लार्ज स्केल के ऊपर, बड़े ही स्तर के ऊपर जब एनर्जी का जनरेशन करना होता है, जैसे हमारे जितने भी पावर प्लांट लगे हुए हैं एसी जनरेशन के, उनमें चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाता है, जबकि कॉइल है वो स्टेशनरी रखी जाती है। क्यों ऐसा किया जाता है, ये आप जब फाइनल ईयर के अंदर आएंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर, तब आप पढ़ेंगे कि चुंबकीय क्षेत्र को घुमाया जाता है किसी बाहरी सहायता से ऑल्टरनेटर के अंदर, और जो कॉइल होती है जिसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न होता है, वो कॉइल को स्थिर रखा जाता है, स्टेशनरी रखा जाता है। तो इस प्रकार से ईएमएफ का उत्पन्न होता है। सिंगल फेज की बात कर रहे हैं, कैसे इसकी तो मैथमेटिकल इक्वेशन आती है और कैसे वो जनरेट होता है, देखिए इस डायग्राम को, देखिए इस डायग्राम को, देखिए ये डायग्राम क्या कह रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र की लाइन है, ये जो आ रही है, ये जिसे मैग्नेटिक फ्लक्स, ये चुंबकीय क्षेत्र की लाइन है, और ये कॉइल है, ये कॉइल है, इस कॉइल को मैं बाहरी सहायता से घुमा रहा हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाली एक्स एक्स डैश, और ये वाई वाई डैश, ये इतना लेट लेट ज्वाइन करते हैं बच्चे। इस कॉइल को मैं किसी बाहरी सहायता से घुमा रहा हूँ, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, इसके साथ ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज थीटा, और एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है। आप सिंगल टर्न कॉइल की, अभी इसमें दिखा आपको एक सिंगल टर्न कॉइल रही है, हकीकत में जो कॉइल होती है उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होते हैं, तो अभी इसके अंदर एन टर्न्स कॉइल को मान लिया, और फाइव एम है वो फ्लक्स का अधिकतम मान है जब कॉइल एक्स एक्सिस पे रहेगी, जब ये कॉइल ऐसे रहेगी ना हॉरिजेंटल, उस समय अधिकतम फ्लक्स का मान वो है फाइव एम है, और ओमेगा जो है वो एंगुलर स्पीड है इसको घुमाने की, ये ओमेगा है,
कोणीय गति है इसको बाहरी सहायता से जो हम इसको रोटेट कर रहे हैं उसकी, ठीक है, जिसका मान होता है ओमेगा, मान होता है 2 पाई एफ, और थीटा बराबर, जैसे यहाँ पे 0 से कॉइल स्टार्ट हुई तो टी टाइम बाद कितने एंगल से घूम जाएगी, ओमेगा टी से, तो थीटा बराबर मैंने क्या मान लिया, ओमेगा टी, ठीक है। अब देखिए ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये कॉइल ऐसे रोटेट कर रही है, ये ट्रायंगल अगर 90 डिग्री बने ना यहाँ पर, ये 90 ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, तो ये जो कॉइल, इसका फ्लक्स का जो कंपोनेंट घटक जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो होगा फाइव एम कॉस ओमेगा टी, वाई एक्सिस पे होगा फाइव एम साइन ओमेगा टी, और एक्स एक्सिस पे होगा फाइव एम कॉस ओमेगा टी। तो फेराडे के नियम के अनुसार ई बराबर होता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी, यहाँ पे पढ़ा होगा, पढ़ा हुआ है क्या फेराडे का नियम, फेराडे का नियम पढ़ा हुआ है क्या, आवाज आ रही है मेरी, जी सर, नहीं पढ़ा हुआ सर, 10th में फेराडे का नियम कैसे नहीं था नहीं भैया, पढ़ा हुआ सर। 10th में फेराडे का नियम था, अरे फिजिक्स में 12th में, अच्छा फॉर फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ के आए, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा नहीं पढ़ा फेराडे का नियम सर फिजिक्स में, ऐसा कैसे हो सकता है, फर्स्ट ईयर सिलेबस में फेराडे का नियम, और इसमें से भी कई सारी चीज़ें तो आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में पढ़ी ही होंगी। फेराडे का नियम क्या कहता है कि जब किसी कॉइल को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसके अंदर ईएमएफ उत्पन्न होता है, उसकी जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है वो होती है ई इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ये डी फाई बाई डी टी क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो फाई का मान मैंने रख दिया, फाई इक्वल टू फाई एम कॉस ओमेगा टी रख दिया इस फाई की जगह, तो ई इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी, और ये क्या मान रख दिया, फाई एम कॉस ओमेगा टी, ये डिफरेंशिएशन जो हो रहा है वो टी के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, और कॉस का डिफरेंशिएशन होता है साइन विद नेगेटिव, तो ये जो माइनस का साइन है ये प्लस हो जाएगा यहाँ पर, और ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा, ओमेगा एन, एन तो ही ओमेगा और आ जाएगा, तो एन ओमेगा फाई एम साइन ओमेगा टी, ये ई का मान हो जाएगा, ठीक है। तो इस ई का अधिकतम मान कब होगा, जिसको हम ई एम से रिप्रेजेंट करेंगे, जब साइन थीटा बराबर 1 होगा, या ओमेगा टी बराबर 90 डिग्री होगा, जब ये कॉइल पूरी 90 डिग्री पर रोटेट हो जाएगी, उस स्थिति में फ्लक्स का अधिकतम मान, ई एम एफ का मान अधिकतम होगा, ठीक है। तो फाइनल इक्वेशन क्या बनी, ई इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, ये किसी भी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी की मैथमेटिकल इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 2 को जब हम कंबाइंड करेंगे तो ये आ जाएगा ई बराबर ई एम साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे वो ये ओमेगा टी बदलेगा, ये साइन साइन वेव जैसे चलती है ना वैसे कर्व चलेगा, तो करंट का यदि है, वोल्टेज का यदि है, तो यहाँ पे ई इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी इक्वेशन बन जाएगी, इसी प्रकार से यदि आप करंट की इक्वेशन लिखना चाहेंगे तो आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी बदल जाएगी, तो ये करंट की इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन सेम रहेगा, करंट की है तो आई आ जाएगा और वोल्टेज की है तो वी आ जाएगा या ई आ जाएगा, और ये जो ई एम है ना ये कहलाता है वोल्टेज का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, इसी प्रकार से जो आई एम होगा ये कहलाएगा करंट का अधिकतम मान, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और ये इसकी वेव फॉर्म होती है, देखिए ये एक्स एक्सिस है जिसके ऊपर है ओमेगा टी या थीटा, ये थीटा से रिप्रेजेंट कर रखा है हमने इसको, और ये वाई एक्सिस है, ये ई भी हो सकता है और आई भी हो सकता है, दोनों में से जिसकी भी वेव फॉर्म आपको ड्रॉ करनी है वो वेव फॉर्म ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है ना। एक मैं पॉज करता हूँ इसको 1 सेकेंड के लिए, एक सेकेंड होल्ड करना, अरे मैडम फ्री हो क्या, 1 मिनट, एक इमीजिएटली में रूम में आऊँ ना एक बार।
अभी इस क्लास में रिज्यूम कर रहा हूँ वापस, पेन ले रहा हूँ यार, पेन कहाँ गया, जिससे क्या कि थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अपना बेटर हो जाएगा। दो मिनट होल्ड, वेट कीजिए आप, पेन आ चलेगी इसमें। अरे यार इसमें पेन कहाँ चले गया, जिसकी क्लास में यही तो आता था पहले, क्या रहे सिस्को में, यही तो आता था पहले। हाँ वो तो वहाँ से सेलेक्ट करते थे, फिर यहाँ आता था, यहाँ आता था कुछ, मुझे ऐसा ध्यान है। चैट में तो नहीं आएगा पेन, चैट में चैट आएगी, शेयर तो कर रहा हूँ ना, ये शेयर तो कर रखा है, ये शेयर तो खरीद रखा नहीं है, सेलेक्ट कंटेंट तो शेयर, तो शेयर तो कर ही रहा हूँ मैं। उस दिन भी क्लास ली तो मेरे को मज़ा नहीं आया, और ये टूल्स में जाए तो पता नहीं कोई अजीब बताता है, ये नेट ही नहीं चलेगा, ये दिख ही रहा पेन, क्लास चालू हो तो मैंने कहा यार। आता तो ऊपर ही था, हाँ वो पहले पेन सेलेक्ट करते थे, फिर इधर वो सारी चीज़ें आ जाती थी, इरेजर है, लेंथ है, आना तो चाहिए ना, और स्टॉप वीडियो असाइन में भी नहीं आएगा। पहले तेरा ध्यान रहा नहीं मेरे को, क्लास से पहले देख ला, अब ये इधर भी आएगा क्या, पीडीएफ में कन्वर्ट करना है देखो। देख लो, नहीं तो मज़ा नहीं आ रहा है इस चीज़ से पढ़ाने में। नहीं चलो फिर छोड़ो, और चलो वी स्टार्ट अगेन, मिल जाए तो बता देना, मिल जाए तो ना। तो देखिए ये ऑल्टरनेटिंग वेव फॉर्म कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा जिसको बोलते हैं। अगर यहाँ पे करंट लेंगे तो एसी करंट की वेव फॉर्म हो जाएगी है, और यदि यहाँ वोल्टेज लेंगे तो एसी वोल्टेज की वेव फॉर्म हो जाएगी है, इस तरह से। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी है, तो थीटा जैसे जैसे चलेगा वैसे वैसे बढ़ती जाएगी, जीरो से हम चालू कर देंगे, क्योंकि जो इक्वेशन है वो है ई इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, ये ध्यान रखना है, या ई इक्वल टू ई एम साइन थीटा। जब थीटा इक्वल टू जीरो है, इसकी वैल्यू जीरो होगी, साइन जीरो की, जीरो से चालू होगा, और जैसे जैसे थीटा बढ़ता जाएगा इसका मान बढ़ता जाएगा, और जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा उस समय साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, अधिकतम मान होगा। तो इस स्थिति में
हम कहेंगे कि ये करंट का या वोल्टेज का अधिकतम मान है, मैक्सिमम वैल्यू है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं आई एम से अपन। फिर जैसे ही हम और थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो अब इसका मान कम होता जाएगा, और जब थीटा इक्वल टू कौन से, हाँ ऐसा आता था, एनोइड, एनोइड आता था, वो आई नहीं था इसके लिए, क्लास ले लेता हूँ उसके बाद करता हूँ। अब जब थीटा इक्वल टू पाई हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, तो साइन जीरो बोले तो जीरो, तो ये जीरो हो जाएगा, और फिर वापस 180 से और हम आगे इसको बढ़ाएंगे तो इसकी साइन की वैल्यू माइनस हो जाती है, तो ये साइन माइनस में चली जाएगी वैल्यू, और जब 2 पाई हो जाएगा वापस जीरो हो जाएगा, तो इसका मान साइन 2 पाई जीरो होगा तो वापस जीरो हो जाएगी। तो इस प्रकार से जीरो से लेके 2 पाई तक एक पूरी साइकिल कंप्लीट होती है, एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल पूरी मिलके एक साइकिल कहलाती है, और ये कहलाएगी हाफ साइकिल। तो इसकी कुछ साइकिल्स की जो डेफिनेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या साइकिल की डेफिनेशन, इसकी पूरी जो वेव फॉर्म है ना, इसको हम किस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी कुछ टर्म्स हैं वो आप ध्यान से रख लीजिए, इस डायग्राम के कॉन्टेक्स्ट में अपन देखेंगे। इस डायग्राम में साइकिल, अ कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज नोन एज साइकिल, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का जो कंप्लीट सेट है एसी क्वांटिटी का, उसको हम एक साइकिल बोलते हैं। तो यहां से लेके और यहां तक पूरी एक साइकिल होगी आपकी, 0 से लेके 2 पाई तक। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल कहलाती है, ये नेगेटिव हाफ साइकिल कहलाती है, और ये पूरी पॉजिटिव हाफ और नेगेटिव हाफ मिलके पूरा एक साइकिल कहलाएगा। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय एन ऑल्टरनेट क्वांटिटी टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, आवर्तकाल जिसको कहेंगे। ये सब आपने फर्स्ट फिजिक्स में डेफिनेटली पढ़ा होगा। तो 0 से लेके और 2 पाई तक का जो समय है, एक पॉजिटिव साइकिल और एक नेगेटिव साइकिल, मीन्स एक साइकिल में लगने वाला समय आवर्तकाल टाइम पीरियड कहलाता है, और इसको कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। आवृत्ति या फ्रीक्वेंसी, इट इज अ नंबर ऑफ साइकिल्स दैट अकर इन 1 सेकेंड, 1 सेकंड में कितनी साइकिल होती है, मतलब ये एक साइकिल है पूरी, तो 1 सेकंड में जितनी साइकिल्स बन रही हैं वो कहलाती है फ्रीक्वेंसी। इसकी जो इकाई होती है वो साइकिल्स पर सेकंड, या हम उसको हर्ज भी कह सकते हैं। हर्ज साइंटिस्ट का नाम था जिसके नाम के ऊपर ही हर्ज रख दिया, वैसे इसकी वास्तविक जो इकाई है वो है साइकिल्स पर सेकंड। 1 सेकंड में होने वाली साइकिल्स की संख्या आवृत्ति कहलाती है, और एफ इक्वल टू होता है 1/T, टी की यूनिट होती है सेकंड, और एफ बराबर पी एन अपॉन 120 होता है। ये जो मशीन के अंदर जो ईएमएफ उत्पन्न हो रहा है, तो कितनी गति से वो मशीन कॉइल को घुमा रहे हैं, और उसके अंदर पोल्स की संख्या कितनी है, जो कॉइल है आपकी स्थिर कॉइल है उसमें पोल्स की संख्या कितनी है, उसके ऊपर फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है। तो एफ इक्वल टू पी एन अपॉन 120, जहाँ पी नंबर ऑफ पोल्स है और एन स्पीड है आरपीएम में रिवोल्यूशन पर मिनट। वेव फॉर्म, ये जो कर्व है इसको कहलाता है वेव फॉर्म, मीन्स अ कर्व विच शो द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज एंड करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम ऑफ रोटेशन इज नोन एज वेव फॉर्म। ठीक है, तो ये पूरी वेव फॉर्म है, एसी वेव फॉर्म। अब इसको कल करेंगे, फेज और फेज डिफरेंस को, इट विल टेक टाइम, और इन दोनों को हम कल करेंगे फिर। ठीक है, तो आज अब देखिए आप इसको पढ़ना भी चालू कर दीजिए, ये मैं नोट्स डाल दूंगा अभी, जो भी अपना पीडीएफ सेव हुआ है ना वो डाल दूंगा मैं, पढ़ना चालू कर दीजिए आप इसको, रिकॉर्डिंग में वापस इसको इसमें डाल ही दूंगा अभी यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए पहले आप, कोई डाउट है क्या भैया? कुछ समझ में आ रहा है? बंद करूं क्लास? ठीक है, बोलो जावेद। हाँ ठीक है सर, ओके ओके सर, ठीक है सर, कर दीजिए बंद। हाँ बंद करते हैं ना।
पढ़ लीजिए एक बार वापस, मैं इसको यूट्यूब पे डाल दूंगा तो आप भी उसको भी पढ़ लेना आप ना। यूट्यूब वाला ग्रुप हाँ हाँ यूट्यूब का डाल लिंक डाल देना दूंगा ना, आप। पहले भी डाला था यूट्यूब का लिंक मैंने, ठीक ठीक है सर, धन्यवाद। है ना। हाँ उसको वापस पढ़ लेना आप और नोट्स बनाना चालू कर दो। हाँ ठीक है सर। ओके।